नमस्कार दोस्तों, बीनम ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू और छोले की न्यू रेसिपी। आपको बहुत पसंद आएगी। गैस पे हम कुकर रख लिए हैं। छोले की तो आप बहुत सी रेसिपी बनाए होंगे, पर कद्दू और छोले को एक साथ इस तरह से नहीं बनाए होंगे। ये एकदम बिल्कुल डिफरेंट नहीं। 2 चम्मच हम तेल डाल लेंगे। हमारा कुकर गरम हो गया है। मस्टर्ड ऑयल हम यूज़ करते हैं। आपको मन हो तो कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल को हम थोड़ा धुआं आने तक गरम करेंगे। कच्चापन इसका निकल जाने देंगे पहले। तेल का झाग जब तक आता रहता है वो कच्चा होता है। झाग खत्म हो जाने तक वेट करना चाहिए। सबसे पहले इसमें हम 2 तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च खड़ी, थोड़ा सा जीरा 1/2 चम्मच, 1 चुटकी हींग, खड़े गरम मसाले भी हम इसी तड़के में ही डाल देंगे। 2 इलायची, 2 बड़ी इलायची, 2 लौंग, थोड़ा सा 1 टुकड़ा दालचीनी। प्याज को हम बहुत ही बारीक काट के रख लिए हैं। इसको प्याज को थोड़ा सा गोल्डन होने तक भून लेते हैं। प्याज को हम बहुत बारीक चॉप करते हैं, इससे उसका फ्लेवर अच्छे से आ जाता है। एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज हल्का सा भुन गया है, ऐड कर लेंगे। थोड़ी देर तक हम प्याज को भूनेंगे। देखिए प्याज अदरक लहसुन इसका पेस्ट भुन गया है, प्याज में से तेल अलग हो रहा है। अब इसमें हम मसाले थोड़े डाल देंगे। इसमें हम 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, 1 चम्मच वो नॉर्मल रेड चिली लिए हुए हैं, ये दोनों हम एक साथ ऐड कर देंगे। इससे कलर बहुत अच्छा आता है छोले का। 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच हम लिए हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालना चाहिए। नमक डालने से हमारा प्याज थोड़ा मुलायम हो जाएगा, जल्दी गल जाता है। थोड़ा सा 2 मिनट भूनने के बाद टमाटर ऐड कर लेंगे इसमें। छोला को हम पहले ही भिंगा के उबाल के रख लिए हैं और कद्दू को काट लिए हैं, छोटे छोटे पीस में कट करके रख लिए हैं। ये देखिए मेरे छोले उबले हुए हैं, अच्छे से उबल गए हैं। दबाने पे बिल्कुल ही दब जा रहे हैं। कद्दू को भी हम छोटे छोटे पीस में काट के रख लिए हैं धुल के। मसाले 1 मिनट तक भूनने के बाद इसमें हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर गल जाएगा तो थोड़ी देर के लिए इसको हम ढक के गलने देंगे। टमाटर और प्याज मसाले सब आपस में मिक्स हो जाए अच्छे से। देखिए मसाला भुन चुका है, तेल बिल्कुल ऊपर आ गया है मसाले में हमारे। इसमें हम 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच छोला मसाला ऐड कर लेंगे।
छोला मसाला गरम मसाला लास्ट में डालते हैं ताकि उसका फ्लेवर इसको बनते हैं। देखिए कितना अच्छे से भुन गया है, थोड़ा गरम मसाला और छोला मसाला 2 मिनट चला देंगे। इसमें थोड़ा कद्दू डाल देंगे और कद्दू को फिर 5 मिनट तक भूनेंगे। थोड़ी देर ढक के भुनने देंगे कल। 5 मिनट तक मेरा कद्दू अच्छे से भुन गया है। इसमें देखिए कितना अच्छा दिख रहा है। छोला तो पहले से ही उबला था, अब उसको हम इसमें डाल के पानी ऐड, थोड़ा बहुत पानी हमारे छोले के साथ है। छोले में हल्का सा नमक हम पहले ही डाल के उबाले थे, उसी पानी को हम ऐड कर। कद्दू खुद भी थोड़ा सा पानी निकलता है कद्दू से भी, तो इसलिए पानी हम थोड़ा कम डालेंगे। एक कप पानी ऐड कर लेंगे। अब हम बंद करके एक सीटी लगा देंगे कुकर। अब हमारे छोले हो चुके हैं कद्दू छोले, हम खोल के आपको दिखाते हैं कैसे बने हैं। देखिए अभी तो ऊपर कद्दू दिख रहा है, नीचे मेरे छोले और कद्दू देखिए कैसे हैं। इससे ग्रेवी कद्दू की वजह से इतनी गाढ़ी हो जाती है। होटल वगैरह रेस्टोरेंट में कद्दू की ही ग्रेवी गाढ़ी करते हैं लोग छोले में।